आप लोग सावधान रहें क्योंकि जंगल के सारे जानवर धीरे धीरे कहीं गायब होते जा रहे हैं। कहीं कोई आप लोगों को भी गायब ना कर दे। आखिर कौन चुरा कर ले जा रहा है सारे जानवरों को? सुन रहे हो ना सो, न्यूज़ रिपोर्टर तुम्हें कुछ कह रहा है। अब तुम घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो कोई तुम्हें भी जानवर समझकर ले जाएगा। सोन गुस्से में कहता है, गुल्ली तुमने वो बड़ी वाली नाली देखी है जो मेन रोड के किनारे है? हाँ सोन, बहुत बार देखी है। तो उसी नाली में पटक पटक के मारूंगा तुम्हें। तुम मुझे जानवर कह रहे हो, बताओ तो मैं किस जानवर जैसा दिखता हूँ? गुल्ली कहता है, नहीं सोन मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो तुम गुस्सा हो जाओगे। दोस्तों आप लोग बताओ कि सोन किस जानवर जैसा दिखता है? ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ रॉड, आलोक, बनी और रेड क्रिमिनल आ जाते हैं। आलोक कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली और सोन तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो, उधर मेरा पालतू कुत्ता चोरी हो गया है जिसका नाम टाइगर है। जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना होगा क्योंकि मेरा टाइगर तो मेरे बिना खाना भी नहीं खाता है। पता नहीं अभी वो किस हाल में होगा। वो सब तो ठीक है आलोक, लेकिन पहले ये बताओ कि ये खरगोश किसका है और तुम लोगों ने इसे यहाँ क्यों लाया है? रॉड कहता है, गुल्ली बुल्ली और सोन आजकल जानवर चोरी हो रहे हैं, ऐसा हमने न्यूज में देखा, इसलिए मैं अपने खरगोश को अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ, कहीं कोई इसे भी चोरी ना कर ले। चलो अब जल्दी चलकर आलोक के पालतू कुत्ते और बाकी जानवरों को ढूंढते हैं और पता लगाते हैं कि जानवरों की चोरी कौन और क्यों कर रहा है। ये सब बातें करके ये लोग घर से बाहर आ जाते हैं। बुल्ली कहता है, जानवरों का पता लगाने के लिए हमें पहले कहाँ जाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ चलो पहले पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं, हमने पुलिस वाले को पहले ही सब कुछ बता दिया है। बुल्ली, वो लोग भी जानवरों को ही ढूंढ रहे हैं। चलो हम लोग जंगल चलकर पता लगाते हैं, जंगल में जो भी जानवर बचे हुए हैं हम लोग उस पे ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि कौन आकर उन्हें ले जाता है। ये कहकर ये लोग जंगल में जाने लगते हैं। कुछ ही देर में ये लोग जंगल आ जाते हैं, लेकिन अब शाम हो चुकी है। इन लोगों को जल्दी ही सारे जानवरों का पता लगाना होगा क्योंकि रात को ये लोग इस जंगल में किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। जंगल के अंदर अभी तक इन लोगों को एक भी जानवर नहीं दिखा है। सोन कहता है, और हमें कितना चलना है? चलते चलते तो हम लोग जंगल के बीच में आ चुके हैं। अरे ये तो किसी हाथी की आवाज़ है, लेकिन ये आवाज़ आ किधर से रही है? मुझे लगता है ये आवाज़ इधर से आ रही है सोन, लगता है कोई हाथी कहीं फंसा हुआ है। जल्दी चलो चलकर देखते हैं। ये कहकर ये लोग दौड़ते हुए हाथी की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग दौड़ते हुए कुछ ही दूर आते हैं कि तभी इन्हें एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है जो कि इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि किसी ने इसे पिंजरे में बंद कर दिया है। सोन गुस्से में कहता है, कौन है वो इंसान जिसने इस हाथी के बच्चे को पिंजरे में बंद किया है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो गुल्ली बुल्ली, हम लोग पिंजरे को खोलकर हाथी को बाहर निकाल देते हैं। नहीं सोन, पहले हमें इस ट्रक वाले का वेट करना चाहिए क्योंकि हमें ये पता करना है कि ये सब कौन कर रहा है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पर छुपकर इस ट्रक वाले के आने का वेट करते हैं, पता नहीं वो कहां गया है। कुछ ही देर में रात हो जाती है, लेकिन अभी तक ये ट्रक वाला यहाँ नहीं आया है। लेकिन अब सोन से रहा नहीं जा रहा है। सोन कहता है, बस गुल्ली बुल्ली बहुत हो गया, अब मैं और इस हाथी को इस पिंजरे के अंदर नहीं देख सकता, मैं जा रहा हूँ इसे पिंजरे से बाहर निकालने। ये कहकर सोन पिंजरे की तरफ जाने लगता है। रुक जाओ सोन, अगर तुम थोड़ा भी आगे बढ़े तो मैं सच बोल रहा हूँ तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे ये क्या, ये तो जेफ द किलर है जो लोगों को मारता है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? जेफ द किलर को देखकर सोन बहुत डर जाता है और भागते हुए सारे लोगों के पास चला जाता है। क्या हुआ सोन, वापस क्यों आ गए? डर गए ना जेफ द किलर से? इसलिए हमेशा कहता हूँ ज्यादा मत उड़ो। सोन कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो बुल्ली, कि मैं जेफ द किलर से डरता हूँ? पागल हो गए हो क्या, मैं क्यों डरूंगा इससे? रुको मैं अभी जेफ द किलर को बताता हूँ। फिर तुम आगे बढ़ रहे हो सोन, पता है ना मैंने क्या कहा है, तुम पीछे कितना भी जा सकते हो लेकिन आगे बढ़ना मना है, ये देखो। सोन वापस आकर कहता है, वैसे बुल्ली एक बच्चे से मार खाकर जेफ द किलर को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। वैसे मुझे बहुत जोर से सूसू लगा है, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर सोन दौड़ते हुए यहाँ से चला जाता है। अच्छा तो जानवरों की चोरी तुम कर रहे हो है ना जेफ, चलो अब चुपचाप बता दो कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। जेफ द किलर कहता है, हाँ ये सब तो मैं ही कर रहा हूँ और इस हाथी को भी मैंने ही पिंजरे में बंद किया है, लेकिन तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चलो अब साइड में हट जाओ, मैं इस हाथी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन हम लोग तो साइड में ही खड़े हैं जेफ, तुम्हें तो ट्रक को लेकर उधर जाना है। लेकिन हम लोग तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, पहले तुम ये बताओ कि तुमने सारे जानवरों को कहाँ रखा है, उसमें मेरा टाइगर भी था। जेफ द किलर कहता है, लेकिन उसमें टाइगर कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी तक एक भी टाइगर को नहीं पकड़ा। टाइगर आलोक के पालतू कुत्ते का नाम है, जल्दी बताओ कहाँ रखा है तुमने सारे जानवरों को, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं सच बोल रहा हूँ, मार मार के लाल कर दूंगा तुम्हारा, गाल की बात कर रहा हूँ। अरे ये क्या, ये तो जेसन है, लेकिन ये यहाँ क्यों आया है, वो भी दौड़ते हुए। जेफ द किलर के पास आते ही जेसन कहता है, तुम्हें याद है जेफ, आज हमने एक बंदर को पकड़ा था। हाँ हाँ याद है मुझे, इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ कि आज जो हमने किया वो भी भूल जाऊँ, चलो अब आगे बताओ।
जेसन कहता है, मैं उस बंदर को अच्छे से पिंजरे में बंद करके पानी पीने गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बंदर अपने पिंजरे को खुद ही खोल लेगा। और ये तो कुछ भी नहीं है, उस बंदर ने अपने पिंजरे से बाहर आकर बाकी सारे जानवरों का भी पिंजरा खोल दिया, जिससे सारे जानवर उसके साथ भाग गए। और मैं जब वापस पिंजरे के पास गया तो मैंने देखा कि वहाँ एक कुत्ता बैठा हुआ है जो कि बहुत गुस्से में था, और फिर उस कुत्ते ने मुझे दौड़ा दिया, इसलिए मैं यहाँ भाग कर आ गया। वो कुत्ता भी आता ही होगा। जैसे ही जेसन इतना कहता है तभी वो कुत्ता यहाँ आ जाता है। लेकिन अरे ये क्या, ये तो यहीं रुक गया। आलोक कहता है, अरे ये तो मेरा टाइगर है। ये कहकर आलोक दौड़ते हुए टाइगर के पास चला जाता है। बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली अभी तक सोन सूसु करके वापस क्यों नहीं आया, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। अरे ये क्या, ये तो पुलिस के कार की आवाज है गुल्ली। भागने की कोशिश मत करना जेसन और जेफ, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। जेसन कहता है, लेकिन तुम लोगों ने तो हमें सिर्फ एक ही तरफ से घेरा है, बाकी तीनों तरफ से तो हम लोग भाग ही सकते हैं। अच्छा तो तुम्हें ये गन नहीं दिखाई दे रहा है, भागकर तो देखो सीधे ऊपर चले जाओगे। गाड़ी में बिठाओ इस जेसन और जेफ को और ले चलो थाने, आज तो मैं इन दोनों को बर्फ वाले रूम में उल्टा लटकाकर इतना मारूंगा कि इन दोनों को गर्मी लगने लग जाएगी। कुछ ही देर में पुलिस वाले जेसन और जेफ द किलर को लेकर चले जाते हैं। और इधर सारे लोग पिंजरे को खोलकर हाथी के बच्चे को बाहर निकाल चुके हैं। रॉड कहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि पुलिस को यहाँ बुलाया किसने। सोन कहता है, मैंने बुलाया पुलिस को, मैं उधर सूसू करने नहीं गया था, पुलिस को फोन करने गया था। गुल्ली कहता है, अरे वाह सोन, तुमने क्या दिमाग लगाया है, मुझे आज पता चला कि तुम्हारे पास भी थोड़ा सा दिमाग है। ये सुनकर सोन को गुस्सा आ जाता है और सोन गुल्ली को दौड़ा देता है। तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो फिर भी इस वीडियो को लाइक करें। और हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज्यादा फॉलोवर्स नहीं है तो जाके फॉलो कर लें, आपको अच्छा लगेगा और मुझे भी। तो ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अगली वीडियो में आए तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर अपना नाम कमेंट कर दें।